तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 35 ऑफ द रियल सुपर हीरो फैक्ट्स। तो सच बताओ तो आज मेरे पास भर भर के मार्वल, डीसी और बाकी हॉलीवुड मूवीज को लेकर मेजर अपडेट्स हैं, जिसमें नए कैप्टन अमेरिका से लेकर स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 और आउटर मूवी की अपडेट्स। तो अगर कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट की बात करें तो रायन रेनॉल्ड्स ने कोलाइडर के साथ एक इंटरव्यू में डेडपूल 3 मूवी के बारे में बात करते हुए कहा है कि डेडपूल और वुल्वरीन के कैरेक्टर को एक साथ एक मूवी में लाना इतना भी ज्यादा इजी नहीं था, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, जिसको एमसीयू ने पॉसिबल कर दिखाया। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा है कि 4 साल पहले उनकी और केविन फाइगी की डेडपूल मूवी में डेडपूल और वुल्वरीन के कैरेक्टर को एक साथ दिखाने के से रिलेटेड एक मीटिंग हुई थी, और उसी टाइम पीरियड में ह्यूज जैकमैन ने खुद रायन रेनॉल्ड्स को कॉल करते हुए फिर से एक बार वुल्वरीन का कैरेक्टर प्ले करने में इंटरेस्ट शो किया था। तब कहीं जाकर डेडपूल और वुल्वरीन को डेडपूल 3 मूवी में दिखाना पॉसिबल हो सका। इसके साथ ही रायन रेनॉल्ड्स ने यह भी रिवील किया है कि डेडपूल 3 मूवी की स्क्रिप्ट अभी तक रेडी नहीं है, पर फिर भी होपफुली इसकी शूटिंग नेक्स्ट ईयर समर तक स्टार्ट हो जाएगी और सबसे पहले मूवी के छोटे और इजी पार्ट शूट किए जाएंगे। अगली अपडेट है वकांडा फॉरएवर मूवी से रिलेटेड, जहां मार्वल स्टूडियोज ने इस मूवी के रिलीज से पहले इसके साथ अलग अलग टीवी प्रोमोज ऑफिशियली रिलीज किए हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हो। इसी के साथ एमसीयू के वाइस प्रेसिडेंट नेट मोरे से जब पूछा गया कि क्या वकांडा फॉरएवर मूवी में एक्समैन से स्टॉर्म का कैरेक्टर दिखने वाला है कि नहीं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा है कि अभी के लिए तो नहीं दिखने वाला, क्योंकि एमसीयू में एक्समैन के कैरेक्टर को अभी भी कुछ सालों तक इंट्रोड्यूस नहीं किया जाने वाला। साथ ही इस मूवी में यूज हुए अलग अलग 15 सॉन्ग्स की लिस्ट सामने आई है, जिसमें रिहाना का लिफ्ट मी अप सॉन्ग भी इंक्लूड है। ब्लैक पैंथर मूवी की बात हुई है तो इसके पहले पार्ट में दिखने वाले एक्टर डैनियल कुलुआ को सोनी ने उनके अपकमिंग स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी में कास्ट कर लिया है। वो इस मूवी में स्पाइडरपंक के कैरेक्टर को आवाज देने वाले हैं। अगले अपडेट की बात करें तो जेरेमी स्ट्रॉन्ग ने रिवील किया है कि एमसीयू ने सबसे पहले उनको कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स मूवी में कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर प्ले करने के लिए कॉन्टेक्ट किया था, बट बाद में उनको पता चला कि उनको स्टीव रॉजर्स के यंगर वर्जन यानी स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका में ट्रांसफॉर्म होने से पहले का वर्जन प्ले करने के लिए कास्ट कर लिया है, जिसको बाद में सीजीआई की मदद से एक्चुअल एक्टर का फेस और वॉइस दी जाने वाली थी एकदम एक बॉडी डबल की तरह, बट बाद में उन्होंने वो कैरेक्टर प्ले करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनको जो कैरेक्टर ऑफर किया गया है वो उतना वैल्यू नहीं रखता। कैप्टन अमेरिका की बात हुई है तो क्रिस इवांस को पीपल मैगजीन की तरफ से सक्सेस मैन अलॉय के लिए चुना गया है। आगे बढ़े तो अगाथा कॉन ऑफ केओस सीरीज से ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि एमसीयू ने पॉपुलर कॉमेडियन और एक्टर एरिक एड्रो को इस सीरीज में किसी अननोन रोल में कास्ट कर लिया है। जिस तरह से इस सीरीज की कास्टिंग चल रही है उससे तो लगता है कि इस शो की शूटिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। यही पे आते लोकी सीजन 1 पे, जहाँ पिछले कुछ दिनों से इसके काफी सारे कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील किए जा रहे हैं, जहाँ अभी इस सीरीज से 20 मिनट के कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं जो कि सीरीज में यूज नहीं किए गए। मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हो। किसी के साथ इस सीरीज में जो हंटर B-15 का कैरेक्टर दिखाया गया था उसको ओरिजिनली एक मेल कैरेक्टर दिखाया जाने वाला था, जिसका नाम हंटर 9K होने वाला था। आगे आए तो DCU की अपकमिंग शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड मूवी का एक पोस्टर ऑफिशियली रिलीज किया गया है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। आगे आयरन हार्ट सीरीज से ये अपडेट आ रही है कि ये सीरीज एक डायरेक्ट सीक्वल होने वाला है, मतलब कि इसकी स्टोरी वकांडा फॉरएवर मूवी के बाद से डायरेक्ट कंटिन्यू की जाएगी। अगली अपडेट है स्पाइडरमैन 4 को लेकर, जो कि बनने से पहले ही कैंसिल कर दी गई थी। तो अब स्पाइडरमैन की कहानी पर बेस्ड विद ग्रेट पावर्स बुक से ये रिवील हुआ है कि स्पाइडरमैन के 4th पार्ट में वल्चर का कैरेक्टर मेन विलन होने वाला था और एंजेलिना जोली वल्चर की बेटी का कैरेक्टर प्ले करने वाली थी। अगली अपडेट की बात करें तो एक इंटरव्यू में बात करते हुए रायन कुगलर ने कंफर्म किया है कि वकांडा फॉरएवर मूवी का मेन विलन नमोर उतना ही पावरफुल है जितना कि थॉर, और अगर नमोर पानी के पास हो तो वो हल्क जितना पावरफुल है। आर यू कॉमेडी मी? आगे बढ़े तो कुछ दिनों पहले पैटन ऑसवाल्ड ने ऑफिशियली कंफर्म किया था कि इटर्नल का सीक्वल बनने जा रहा है, पर इस पर बात करते हुए इटर्नल्स मूवी में किंगो का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर कुमेल नंजियानी ने कहा है कि उनको इस न्यूज के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, और शायद पैटन ऑसवाल्ड ने इस न्यूज के बारे में गलत कहा है और शायद उन्होंने कोई गलत वेबसाइट पढ़ के ये सब बोला होगा। साथ ही उन्होंने उनके कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए कहा है कि वो चाहते हैं कि अगर इसका सीक्वल बने तो वो किंगो के कैरेक्टर को फिर से प्ले करना पसंद करेंगे। यही कहते हैं वंडर मैन सीरीज पे, रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इस सीरीज को अप्रैल 2023 में अटलांटा के एरेज में शूट किया जाने वाला है। आगे आते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 पे, जहां डफर ब्रदर्स ने इसके पहले एपिसोड का टाइटल रिवील किया है जो कि द क्राउल होने वाला है। साथ ही अभी ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि 2023 का ऑस्कर जिमी किमेल होस्ट करने वाले हैं। आगे इसी रिपोर्ट आ रही है कि अगर अवतार का सेकंड पार्ट अवतार द वे ऑफ वाटर बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के मामले में प्रॉफिटेबल नहीं रहा तो जेम्स कैमरॉन अवतार सीरीज को इसके थर्ड पार्ट के बाद ही खत्म करने वाले हैं, जो कि प्रीवियसली इस सीरीज में 5 मूवी
मूवीज होने वाली थी। इसी के साथ गियर ऑफ वॉर जो कि एक गेम है उस पर अभी नेटफ्लिक्स एक लाइव अडेप्टेशन मूवी और एनिमेटेड सीरीज बनाने वाला है। तो बस आज के लिए बस इतनी अपडेट थी पूरे मार्वल डीसी और बाकी हॉलीवुड मूवीज को लेकर। आई होप सो कि आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।